अपनी तमाम खूबियों की वजह से मुंबई शहर भारत के दुश्मनों की आंखों में, चाहे वे देश के हो या बाहर के हो या भीतर, उनको हमेशा खटकता रहता है। मुंबई में आतंकवादियों ने बार बार हमले किए हैं और ये हमले भी ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों के समय हुए हैं। लेकिन इन हमलों के बाद कांग्रेस ने क्या किया? वो सिर्फ मंत्री बदलकर, थोड़ा बहुत बयान देकर फिर चैन की नींद सो जाते थे। भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि जब ऊपर के लोग सत्ता की राजनीति और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं तो देश के दुश्मनों की हिम्मत और बढ़ जाती है। इसी का दुखद परिणाम मुंबई के निवासियों ने इतने वर्षों तक भुगता है। मैं ये भी मानता हूं कि मुंबई पुलिस के बहादुर और चौकन्ने जवान सतर्क न रहते तो अधिक नुकसान हुआ होता। हमारे जवानों ने कई वारदातों को घटित होने से रोका और अपनी शहादत भी दी। साथियों, आतंक पर नरमी के साथ ही अपने शहीदों के लिए कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो भी मैं आपको याद दिलाता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में दशकों से मांग रही थी जो हमारे पुलिसकर्मी अपना दायित्व निभाते हुए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी स्मृति में एक मेमोरियल होना चाहिए। पुलिस शहीद पुलिसों की स्मृति में एक नेशनल मेमोरियल होना चाहिए। और देश को पता तक नहीं है, लोग बताते भी नहीं है, देश आजाद होने के बाद हम आए दिन पुलिस वालों को आलोचना करने की फैशन हो गई है। कुछ भी हो पुलिस से भिड़ जाते हैं, पुलिस को बदनाम करते हैं। कभी सोचा है होली हो दिवाली हो वो वहां खड़ा है, राखी हो वो वहां खड़ा है, घर में कोई बीमार है वो वहां खड़ा है, बारिश हो धूप हो ठंड हो वो खड़ा है। लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जो मर्जी पड़े पुलिस जैसे पंचिंग बैग है, मारते चलो जो भी कहना है कहते चलो। भाइयों बहनों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा हमारे देश में लोगों की सेवा करते करते 33,000 पुलिसों ने शहादत की है। 33,000। इन पुलिसों के नाम पर जोर से ताली बजाओ दोस्तों। तैतीस हजार पुलिस के जवान हम लोगों के लिए मरे, शहीद हुए, और ये कांग्रेस ने कभी उनके मान सम्मान की परवाह नहीं की। भाइयों, हमारे सुरक्षा बल मांग करते रहे, पुलिस मांग करते रही, नहीं सुना। ये चौकीदार की सरकार आई, आज दिल्ली में शानदार जानदार देश की नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला पुलिस का मेमोरियल खड़ा कर दिया दोस्तों। और मैं आपसे कहूंगा, आप भी कभी दिल्ली आए तो महाराष्ट्र के पुलिसों की जो सूची है कम से कम वहां जाकर के फूल जरूर चढ़ा के आना दोस्तों। हमारे लिए मर मिटने वालों की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे, देश कैसे चल सकता है? भाइयों और बहनों,
इन आतंकी हमलों के बीच पुलिस वालों द्वारा दिन रात एक करके मुंबई को सुरक्षित बनाने के बीच मुंबईकरों की अपनी जीवटता भी अलग ही है। जब मुंबई में बम धमाके हुए उसके अगले ही दिन मुंबईकर अपने अपने काम पर निकल गए थे। 26/11 के बाद भी ऐसा ही देखने को मिला। वे दुखी जरूर थे, उनपे नाराजगी भी थी, गुस्सा भी थे, लेकिन वो रुके नहीं। इन सब के बावजूद सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, हम कब तक ऐसे ही सफर करते रहेंगे? आखिर कब तक आतंकवादियों को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी? साथियों, आपके इस चौकीदार ने, आपकी इच्छा के हिसाब से ही उस बेबसी से, उस बंदिश से भारत को बाहर निकाला है। साथियों, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूं, मावला। अब हम आतंकियों को घर में घुस करके मारेंगे। और ये हमने डंके की चोट पर कह दिया है और करके भी दिखाया है। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने वाले कल्चर को हमने बदल दिया है।